किसने मारा? मम्मा ने मारा। क्यों नहीं ऐसे मारती? डंडे से नहीं मारती, किसी भी नहीं मारती, चमाटे मारती हूँ। यार ये खुदा अल्लाह ने एक बेटी दी है, तुम सुशीन संभाली है और तुम कह रहे हो जिधर जाती तंग कर हाथ नहीं लगाए। ना आपका बेटी होती, बेटा होता, इस तरह फर्श पे फेंका होता उसको। कौन कौन से काम करते हैं? मैं झाड़ू भी लगा लेती, पत्ते भी धो लेती, सारा काम। मैं ये बेटी समझेगी तो उसको माँ बोलेगी ना। और तुम इन कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा अपना समझती है जो अंदर है तुम्हारे साथ, है ना? पाल आप, मैं प्यार करती हूँ, तुम उसको जानवर समझती हो। आपको अच्छी लग रही है, अगर आपसे नहीं पलती तो ये बच्ची मुझे दे दे। इन्हें रखना है या नहीं? अच्छा तो ले जाओ, मैं नहीं रखूंगी इसको। माँ की मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी का जज्बा और दुआएं सब अपनी जगह। सिर्फ लफ्ज माँ दिल से कहा जाए तो जिंदगी में एक सुकून सा महसूस होता है। माँ की ममता के जज्बे को बयान करने के लिए ना तो किसी लफ्ज की जरूरत है ना किसी जुमले की। माँ के प्यार की वजाहत के लिए ना कोई मजमून लिखने की जरूरत है और ना कोई किताब। माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, माँ की अपनी औलाद के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां एक अटल हकीकत हैं और हमेशा रहेंगी। अभी हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे भी कि प्रोग्राम सरेआम में माँ की लाफानी और अबदी मोहब्बत के कैसे कैसे मनाजिर हमने देखे भी और आपको दिखाए भी। लेकिन बदकिस्मती से इसी लफ्ज माँ के साथ जब सौतेली लग जाता है तो खुदा जाने वही औरत जो सगी माँ होते हुए रहमत, नेमत, मोहब्बत और अपनाइयत का मंबा और मरकज होती है, वही औरत सौतेली माँ बनकर नफरत, वहशत, दहशत और कहरो गजब की अलामत क्यों बन जाती है? नहीं मेरा बेटा, मेरी बच्ची, आपकी बच्ची होती तो ये जुल्म ना करती आप इसके साथ। मेरी बात, आप तो शर्म करें बोलते हुए यार, मेरी थोड़ी सी हया करें। मतलब ये कि आपके सामने एक सौतेली माँ बच्ची को जला रही है और अब तुम जानते हो तुम्हारी गैरत। किसने मारा? मम्मा ने मारा। आज भी एक ऐसी ही सौतेली माँ जिसके साथ माँ का लफ्ज लगाना भी लफ्ज माँ की तौहीन लगता है, अपने बुग्ज, अनाद और गुसीले और नफरत अंगेज चेहरे के साथ आपके सामने आएगी। सौतेली माँ तो चलिए सदियों से नफरत का इस्तियारा रही ही है, हैरत उन सगे बदनसीब और बदबख्त बापों पर होती है जो अपनी नई दुल्हन के कहने में आकर अपने बच्चों और बच्चियों को दुनिया की हर बुराई का जिम्मेदार समझने लगते हैं। उन्हें अपनी लाडली बीवी की मार और तशद्दुद भी काबिले एतराज नहीं लगते, उन्हें सगी औलाद के चेहरे पर लगे जख्म भी दिखाई नहीं देते। हमारे मुआशरे में सगी माएं भी बच्चों को डांटती जरूर हैं, कभी कभी बच्चों को माँ से मार भी पड़ जाती है, लेकिन ऐसी मार कि जिस्म के हर हिस्से पर उस वहशत अंगेजी के निशान मौजूद हों। औलाद कितनी भी बुरी हो, बच्चे कितनी भी शरारत करते हों, लेकिन क्या ये हो सकता है कि सगी माँ खुद अंदर चारपाई पर सोए और अपनी बच्ची को बाहर पथरीले फर्श पर सुलाए? लेकिन आज का प्रोग्राम देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह सौतेले बच्चे इंसानियत से गिरे हुए जुल्म का निशाना बनते हैं और उनके सगे बाप महज तमाशा देखते हैं। सगी माँ क्यों नहीं ऐसे मारती? डंडे से नहीं मारती, कुछ भी नहीं मारती, चमाटे मारती हूँ बस। यार ये खुदा अल्लाह ने एक बेटी दी है, तुम सुशीन संभाली है और तुम कह रहे हो जिधर जाती तंग कर हाथ नहीं लगाए। अपना आपका बेटी होती, बेटा होता, इस तरह फर्श पे फेंका होता उसको। कौन कौन से काम करते हैं? मैं झाड़ू भी लगा लेती, पत्ते भी धो लेती, सारा। आपको अच्छी लग रही है? कराची के इलाके क्यूमाबाद की 7 साला नन्ही आयशा एक भयानक बचपन गुजार रही थी। आयशा की सगी माँ की वफात के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ जिसे आयशा को अपनी बेटी की तरह सीने से लगाना था, उसने पहले ही दिन से इस मासूम और बेखता बच्ची को अपना दुश्मन समझ लिया था। आयशा की सौतेली माँ ने घर में कुत्ते और बिल्लियाँ पाल रखे थे। ये सोख्ता नसीब औरत अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों से तो मोहब्बत करती थी, लेकिन अपनी सौतेली बेटी आयशा से जानवरों से भी बदतर सलूक करती।
वो इस नन्ही सी जान पर जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़ती कि पूरा मोहल्ला इस मासूम बच्ची की चीखों से लरसता था। आयशा के जिस्म का कौन सा हिस्सा था जहां इसकी सौतेली माँ की वहशत और बर्बरियत के निशान नहीं थे। कई जख्म ताजा थे, बहुत से जख्म मुंदमिल होकर अपने निशान छोड़ गए थे और बहुत से जख्मों के निशान चले भी गए थे, लेकिन हर एक जख्म इस बच्ची के नन्हे से धड़कते हुए दिल पर महफूज हो गया था। आयशा का सगा बाप और सौतेली माँ दोनों अंदर कमरे में चारपाई पर सोते। आयशा की सौतेली माँ के कुत्ते बिल्लियां तक अंदर कमरे के आरामदेह माहौल में उनके साथ होते, लेकिन इस मासूम सी गुड़िया को बाहर पत्थर के सख्त फर्श पर सुलाया जाता। वो फर्श जो सर्दियों में सख्त ठंडा होता और गर्मियों में तपिश से झुलस रहा होता। आयशा का सगा बाप अपनी नई दुल्हन के कहे को सच और हक मानता, कभी कभी तो ये अपनी लाडली बीवी के कहने पर अपनी मासूम मजलूम बेटी से तंग आकर उसे अपनी बहन यानी बच्ची की फूफो के घर छोड़ आता। अब वो ठुकराई हुई गुड़िया जिसे ना सगी माँ अपनाती थी ना सगा बाप, उसे भला उसकी फूफी कैसे नाज और लाड से रख सकती थी। सो वो भी अपनी जिंदगी के सारे दुख तकलीफें गुस्से की सूरत में इस बच्ची पर ही निकालती। सो घर में सौतेली माँ आयशा को नोचती काटती पीटती और बाप तंग आकर उसे उसकी फूफी के पास छोड़ाता तो वो अलग से तशद्दुद और बर्बरियत से पेश आती। इस हरमा नसीब बच्ची के लिए कोई जाए पनाह नहीं थी। मार खाती, चुपचाप आंसुओं से रोकर पत्थर के फर्श पर सो जाती और कभी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होती और सौतेली माँ की वहशियाना मार पर जब्त का बंधन टूट जाता तो इसकी नहीफ सी चीखें मोहल्ले के लोग भी सुनते। कभी कभार मोहल्ले वाले अपने तौर पर समझाते भी, लेकिन ये कहकर उन्हें खामोश करवा दिया जाता कि हमारी बेटी है, आप अपने काम से काम रखें। उधर सौतेली माँ का जुल्मो इस्तबदाद बढ़ता चला जा रहा था। तशद्दुद करते करते वो जुल्म के इस दर्जे तक पहुंच गई थी कि खुदा ना खास्ता कभी गुस्से में आपे से बाहर होकर वो अपनी सौतेली बेटी की जान भी ले सकती थी। मोहल्ले ही के कुछ लोगों ने सूरत हाल की खतरनाकी का अंदाजा लगाया। तशद्दुद जब रोज होने लगा और इतना कि किसी भी लम्हे मासूम बच्ची की जान जा सकती थी, तब उन्होंने टीम सरेआम से राब्ता किया। सरेआम को बताया गया कि 7 साला आयशा को लकड़ियों से पीटा जाता है, गली में बिजली के खंबे से बांधकर तशद्दुद किया जाता है और बीच बचाव करवाने के लिए आने वाले मोहल्लेदारों से बदजबानी की जाती है। आयशा पर बीतने वाले इस जुल्म की कहानी हमें तब तक गैर हकीकी लगती रही जब तक आयशा ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में हमें खुद ये नहीं बताया कि उसकी माँ के फौत होने के बाद नई आने वाली उसकी सौतेली माँ उसे लकड़ियों से मारती है और पत्थरों पर सुलाती है। ये देखें ना, वो ये बच्ची है, हालत इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इसको बाहर कैसे फर्श पर लटाया हुआ। बस बस बस, अस्सलाम वालेकुम बेटा। इजी लाइट उसकी आंखों में नहीं मारो। अस्सलाम वालेकुम। अहले मोहल्ला में से कुछ लोगों ने टीम सरेआम से राबता किया तो हमने 7 साला आयशा का अहवाल रिकॉर्ड करने का फैसला किया। इत्तिला देने वालों की मदद से हमारे नुमाइंदे उस वक्त नन्ही आयशा के घर पहुंचे जब इसका बाप काम पर और माँ खरीदारी के लिए घर से बाहर थी। आयशा से पूछा कि उसके चेहरे, सर, बाजुओं और जिस्म पर जख्मों के निशान क्यों हैं, तो उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ ने उसका ये हाल बना रखा है। और भी कोई मारता है आपको? सिर्फ मम्मा? आपने अपने बाबा को नहीं बताया? मैं बाबा को बताया। मासूम आयशा ने यह भी बताया कि हट्टी कट्टी सौतेली माँ के होते हुए वो घर के सारे काम अपने इन्हीं छोटे छोटे हाथों से करती है जिन पर मार के जख्मों से अब भी खून रिस रहा है। बिल्ली मुझे तंग कर रही थी, मैं बर्तन धो रही थी, मम्मा ने मुझे एक धक्का दिया, मैं दीवार के साथ गिर गई। सर पे किसने मारा था? अम्मी ने मारा था।